ठीक है लाला, ठीक है लाला। ब्रेड के डिलीवरी आ गए। ये रहा आपका बिल। क्या 30,000 रुपए? ये क्या बकवास है, तुमने लूट मचा रखी है, लूट। पैसे बचाने का एक तरीका है मेरे पास। और वो तरीका क्या है? जो हमें आजाद कर दो, खाना अपने आप कम लगेगा। अच्छा मजाक था। इसमें तो छेद है, और पर दिख रहा है। मैं मंदी चल रही है जो, जब तक सरकार बजट नहीं बढ़ाती इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। इतने से तुम्हारा क्या होगा? ये हमारे संस्कार नहीं है जेलर साहब, इसका कोई और रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है, गांव वालों के अलावा यहाँ और कोई ब्रेड नहीं बनाता। एक मस्त वाला आइडिया है मुझे। क्या तुम्हें ब्रेड बनाना आता है? अरे हम तो बेकरी में ही काम करते थे, हर तरह के ब्रेड बनाते थे, और पैसे तो ना के बराबर समझो जेलर साहब। तुम लोग कितने संस्कारी हो। जो तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ, और साथ में मेरी पॉकेट भी। भैया जेलर मान गया, हमें ब्रेड बनाना होगा। पहले हम एक नकली ब्रेड बनाएंगे जिसमें मैं बांटकर कल्टी करूंगा, और फिर तुम्हें वापस लेने आऊंगा। इतना बड़ा ब्रेड? हाँ मेरा भाई, पहले ब्रेड गांव के गरीबों को दिया जाएगा। ब्रेड। सॉरी जादूगर जोजो, हम हमारा खुद का ब्रेड बना रहे हैं, देखना चाहोगे? बनाने वाले से खाने वाले तक बीच में कोई सेल्समैन नहीं। तो तुम समझ गए ना, ऐसा ब्रेड बनाओ जिसमें मैं छुप सकूं। ठीक है जो। ये कौन है? भूत? नहीं शेरू, तुम बहादुर हो, सामने कोई भी आ जाए तुम्हें डरना नहीं है। मैं अभी अपने हथियार लेकर आता हूँ। जो कहाँ गया है? जो ब्रेड बन रहा है। क्या? गोजू, पहले ब्रेड को बनाना था, फिर जो को उसके अंदर डालना था, तुमने भाई को ही पका डाला। हाँ। ये मेरे काम आ सकता है। शायद मुझे हथियार की जरूरत नहीं, मेरे पंजे ही काफी होंगे। हाँ। अरे भाई, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे साइज का ब्रेड बनाया है। चले जाओ, मस्त गर्मा गर्म है। अगर कोई पूछे तो कहना कि जल गया था इसीलिए आराम कर रहा है। मैंने ये क्या देख लिया? वो सफेद आदमी कौन है? गरीबों में खाना बांटना ही तो हमारे अच्छे संस्कार हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है ब्रेड देने बाहर किसी और को जाना चाहिए। एक आइडिया है मेरे पास। इस ब्रेड के अंदर कोई तो छिपा हुआ है। नहीं 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 शेरू, नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अंदर ज्यादा गर्मी तो नहीं है ना? चुप रहो लंबूचान। गाँव वालों से ब्रेड नहीं खरीदा तो उन्होंने जंग छेड़ दी है। हमला कर दिया ऐसा। तुम्हारा ब्रेड महंगा है, जाओ कहीं और जाकर बेचो इसे। Holy shit! प्लीज यहाँ से चले जाओ। पहले हमारा ब्रेड खरीदना पड़ेगा। नहीं, हमारा ब्रेड बहुत अच्छा है, कैदियों को पसंद है। वैसे गांव का ब्रेड ज्यादा अच्छा होता है। क्या कहा? लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ के ब्रेड में ये खाना पड़ता है। ये मेरी माँ की रेसिपी है। गलती खाता हूँ मैं। रुक जाओ अजनबी, रास्ते से हट जाओ गोचर। ये क्या हो रहा है? देखा, हम लोग ब्रेड की डिलीवरी करके आते हैं। मिल गया जाते। तो कल मेरे ब्रेड की डिलीवरी कर दोगे जोजो? हो गया, मैं बाहर निकल गया। अब मैं बिंदास यहाँ से जा सकता हूँ। एनुअल प्रिजन गार्ड फंक्शन। नाश्ते में फ्राइज, नाश्ते में फ्राइज, नाश्ते में फ्राइज। कसरत करना सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। वन टू सांस बाहर। हमें फ्रेंच फ्राइज नहीं मिली तो हम भूख हड़ताल कर देंगे। नाश्ते में फ्राइज बस 2-3 घंटों के लिए। सब कुछ तोड़ देंगे। क्या सब मेरे साथ है? नहीं, मेरे जेल में किसी को कभी भी फ्रेंच फ्राइज खाने नहीं मिलेगी। सॉरी। लेकिन क्यों नहीं? बाकी जेलों में तो मिलती है। क्या तुम जानना चाहती हो क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। डर लगता है? ये कैसे संस्कार है? जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे फ्राइज इतने पसंद थे कि माँ मुझे रोज खाने में देती थी। एक दिन फ्राइज पापा ने बनाई, लेकिन फ्राइज इतनी लंबी बनाई कि मेरे गले में अटक गई। बस उस दिन से मुझे फ्राइज से नफरत हो गई है। आप पहले इंसान हो जिसे फ्रेंच फ्राइज से डर लगता हो। क्या हुआ? पता चला जेलर डरता है, और वो भी फ्रेंच फ्राइज से। लेकिन इससे हमारी भागने में क्या मदद हो सकती है? थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर हम उसे फ्राइज दिखाकर डराएं तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा और हम भाग जाएंगे। और फ्राइज बनाने का सामान हमें जादूगर जोजो के पास से मिल ही जाएगा। फ्राइज लिखने का कोड कितने बादल है? 100 लीटर ऑलिव ऑयल, 50 किलो आलू, नमक, केचप। ठीक है, डाल्टन्स को सामान डिलीवर करना है। इन्हें वेस्ट मत करना, बस इतने ही आलू बचे हैं। चलो भाइयों, फ्राइज बनाते हैं। फ्राइज की खुशबू। सावधान, सभी सावधान। जाके पता लगाओ मेरे जेल में फ्राइज बनाने की हिम्मत किसने की। मुझे डर लग रहा है। फ्राइज की खुशबू आ रही है। गैर कानूनी फ्राइज तुम यहाँ बना रहे हो क्या? चलो निकलो यहाँ से, ये कोई ढाबा नहीं है। क्या मैं जेलर साहब को सब बता दूंगा। अच्छा, अरे मैं तो मजाक ही कर रहा था। वेलकम। बस बहुत हुआ, हमारे पास ज्यादा फ्राइज नहीं बचे। अच्छा, तो तुम हो। इस सजा के लिए तुमको काल कोठरी में डाला जा सकता है, मालूम। लेकिन तुम हमें कुछ फ्राइज दे दो तो हम ये बात भूल जाएंगे। हाँ। हम लोग हर जगह ढूंढे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला सर। प्रॉमिस। मगर मुझे तो खुशबू कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। अरे नहीं जेलर साहब, हम तो आपके सच्चे और सबसे अच्छे गार्ड्स हैं। ओए सब खत्म हो गया और जोजो के पास ये आखिरी आलू थे, अब क्या करें? ओए एक मस्त आइडिया। क्या तुम जेलर साहब के फ्राइज के डर को दूर करने में मेरी संस्कारी मदद करोगे? तुम ये क्या बनाओ? केचप की बोतल। कम मक्कर। अच्छा तो सबको याद है ना क्या बोलना है, ठीक है? शुरू हो जाओ। जेलर साहब कौन हो तुम? तुम्हारे अपने फ्रेंच फ्राइज। क्या चाहिए तुम्हें? हम सबों को यहाँ से बाहर निकालो। मतलब क्या? मतलब इस जेल से बाहर हमें जाने दो, वरना रोज तुम्हारे सपने में आएंगे इसी तरह। ठीक है मैं बाहर निकालता हूँ। समझ नहीं आया, जेलर साहब फ्राई से डरते हैं तो हम लोग के कॉस्ट्यूम क्या पहने? यही तो संस्कार है, हम उनके अच्छे दोस्त बनकर जाएंगे ताकि उनका डर निकल जाए। हमारे जेलर साहब। काम हो गया भैया, आजादी। अब जाओ और मुड़कर वापस मत आना। अरे ये एक्स्ट्रा डब्बे कहाँ से आ गए? ये लोग कौन है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हर जगह फ्राइज ही फ्राइज दिख रहे हैं। आओ नहीं जेलर साहब, हम आपके साथ हैं। मैं कहाँ हूँ? मिस बेटी ये आप हैं? फ्राइज को कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? फैंसी ड्रेस है क्या? ये कौन है? हम फ्रेंच फ्राइज हैं। अगर हमें जाने नहीं दिया तो देख लेना जेलर। इन्हें अपने पिंजरे में वापस डाल दो। नहीं, हमें आजादी चाहिए। शेरों ने भागने से रोको। क्या बात है, खाना खाने के बाद राउंड मारने से वजन कम हो जाता है। मार्केट में नए आलू आ गए हैं। थैंक यू जादूगर जोजो, तुम्हारी डिलीवरी ऑन टाइम होती है। इतने सारे आलू का अब क्या करें? फ्राई द ढाबा खोलते गोचू। और याद रहे दिन में 5 फल और सब्जी खाना जरूरी है। थोड़ा और ऊपर भाइयों, हम आजादी के करीब बस पहुँच चुके हैं। एक्रोबैट्स, मुझे नहीं पता था यहाँ सर्कस का शो चल रहा है। मुझे भी कुछ करतब दिखाने आते हैं, देखना चाहोगे क्या? ये देखो। अच्छा था ना, एक और स्टंट दिखाऊं तुम्हें? खाना तैयार है। आओ और संस्कार सिखाओ बच्चों। पता है ये मैंने खुद बनाया है। खाना आपने क्यों बनाया जेलर साहब? रसोईया कहाँ चला गया? मेयर के कहने पर टाउन एनिवर्सरी के लिए खाने की तैयारी हो रही है। हमारा शेफ बहुत बिजी है, शायद उसे एनिवर्सरी स्पेशल केक बनाने तक का टाइम नहीं। ऐसा क्या? मस्त आइडिया भाइयों, हम एनिवर्सरी के लिए बड़ा केक बनाएंगे और उसमें बैठकर हम जेल के बाहर निकलेंगे और मिलेगी आजादी। स्मार्ट आइडिया ना? केक बनाओगे? अजीब बात है, ऑलरेडी बहुत कैदियों ने केक बनाने के लिए प्रस्तावना दे रखी है। हाँ। ये मेरा आइडिया था। शायद मेरे पास एक संस्कारी आइडिया है। क्यों ना हम एक कुकिंग कॉन्टेस्ट रखें जो सबसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट केक बनाएगा वही टाउन एनिवर्सरी का केक भी बनाएगा। एक्सेलेंट आइडिया, मैं बात से सहमत हूँ। कॉन्टेस्ट शुरू किया जाए। तो यहाँ तुम केक बनाओगे और गार्ड्स तुम पर नजर रखेंगे। क्या हम कॉन्टेस्ट जीतने वाले हैं? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इन घोंचों ने कभी किचन में पैर रखा होगा। तो कौन संस्कारी क्या बना रहा है? मैं हिमालयन संतरे के आउटफिट में क्रीम और डार्क चॉकलेट कुकी केक बनाने की सोच रहा था। और मैं सोच रहा था एक रास्पबेरी मूस प्लान जिसके बीचों बीच गांव के फूल सजेंगे। क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। और तुम डाल्टन्स? हम आपको सरप्राइज देंगे। मुझे संस्कारी सरप्राइजेस बहुत पसंद है। ऑल द बेस्ट। हमें केक लगे हुए ऐसा कुछ तो बनाना ही होगा। काश हमें पता होता कि मिस बेटी को एग्जैक्टली क्या पसंद है। ये वही ना बात, हमें जीतने के लिए मिस बेटी के सबसे फेवरेट केक बनानी होगी। भाइयों, कमरे में कोई नहीं है, चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ ढूंढो जिससे हमें उनकी फेवरेट चीज पता चले। यहाँ तो कुछ नहीं मिला। ये देखो भाइयों, मिस बेटी के बचपन की तस्वीर है। इनका चेहरा तो देखो। वाह! रुको, ये क्या है? चेहरे पर खुशी तो देखो। शायद मुझे पता चल गया कि इनको कौन सा केक पसंद आएगा। स्पैचुला, ब्लेंडर, हथौड़ा, ओरा, स्पॉन्ज। ठीक है, हमने केक बना लिया, अब पकने का इंतजार करते हैं। हमारा केक तैयार है। ये चॉकलेट केक। केक कॉन्टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो एक्रोबैट, फिर कुश्ती और अब जादू के खेल। वाह, ये तो केक निकला। अब चॉकलेट निकालो। एक बर्थडे केक। वाह, ये तो काफी ओरिजिनल है। क्या इतना सड़ा रिएक्शन? समझ नहीं आया, हमने बिल्कुल वैसा बनाया जो इस फोटो में है। हाँ, लेकिन वो केक को नहीं बल्कि इस डॉल को देख रही थी। अच्छा है, जैसे कोई सादा चॉकलेट केक। बाकी केक देखते हैं। भाई अब तोड़ फोड़, गॉड्स को मैं संभाल लूंगा। तो कौन जीता कॉन्टेस्ट? डाल्टन्स कॉन्टेस्ट जीत गए हैं, संस्कारों से। चलो भाई, असली केक तो अभी बनाना। अरे आटा किसके पास है? आटा मैं गूंदूंगा। लगता है सर्कस के शो के बाद डिनर का भी आयोजन किया गया है। वाह, अब हमें बस अंदर जाना बाकी है। चला। डाल्टन्स ने कितनी संस्कारी मेहनत की है। काश वो ये सब देखने यहाँ पर मौजूद होते। हम गए पर मिस बेटे, तैयार रहना भाई, अब पतली गली पकड़नी है। तो ये है आखिरी करतब, इसके अंदर जरूर कोई तरकीब होगी। है ये तो अपने डाल्टन्स हैं, मजा आएगा। अब यहाँ तो डाल्टन्स। बस भाइयों, थोड़ी देर और, बस पहुंचने ही वाले हम लोगों को। शायद तुम्हें कुकिंग की ज्यादा जानकारी नहीं है। पता नहीं क्रीम धूप से पिघल जाती है। हम उसका पीछा करते हुए आ गए। गार्ड्स जाओ, इन्हें कूलर में रख दो। ओह प्लीज, इन्हें संस्कारी सजा देना। तुम ये केक नहीं खा सकते। चलेगा? हर बार मेरा ही सब क्यों होता है? ओहो, आज शुक्रवार का दिन है। हर शुक्रवार को सूप बनाना यही हमारे संस्कार हैं। हाँ, मुझे सूप पसंद है। पूरे शरीर को ताकत मिलती है और पेट भरा हुआ हो तो भागने का ख्याल भी नहीं आता। मुझे भागना है, मुझे भागना है, मुझे भागना है। वाह, क्या बात है। एवरल को आज किचन में ड्यूटी मिली है। मेरे फेवरेट सूप का दिन है आज। खाने की कोशिश मत करना वरना डिनर में पत्थर दूंगा तुम्हें। मैं सब्जी लेकर आता हूँ, तब तक तुम पानी उबाल देना, समझ गए ना लंबू चंद? पालक, अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे अचानक खुजली क्यों आ रही है? खुजली सहा नहीं जा रहा। ये लो, ये पत्तियां सूप में डाल दो जल्दी। अरे नहीं, रेसिपी का ये हिस्सा नहीं है। उतना करो, कोई शक। आ जाओ भाइयों, आज सूप अनलिमिटेड है। धक्का मुक्की मत करो, पहले तुम्हारे जेलर को तो चखने दो। जरा मैं भी तो चख लूं। अरे लेकिन मुझे भूख लगी। खा सकता इसे घोंचो। देखो वो पत्तियों ने इन पर क्या असर किया है। जेलर साहब, अगर लोहे की चीज हो तो मजा ही आ जाए, जैसे कि चाबे। जल्दी चलो। डाल्टन्स भाग रहे हैं। चलो खुजली, अब मेरा मतलब जल्दी करो। हम लोग आजाद हैं, अब हम लोग आएंगे। अरे मैं सैंडविच लाया हूँ। इसका स्वाद बिल्कुल आजादी की तरह है। अरे नहीं नहीं, ये तो सूप से बने हैं। चक्का गांव का सरदार वही मदद कर सकता है। इसका मतलब जेल में सभी की यही हालत है। इन्हें बिजी रखो, मैं जेलर को जेल में मिलकर आता हूँ। लकी हो तुम, जादूगर जोजो के पास इस बीमारी का जादुई इलाज है। खुजली हो रही है। हाँ, तुम्हें खुजलेरिया हो गया है। खुजलेरिया ये कैसी बीमारी है? हाँ, खुजलेरिया संक्रामक बीमारी है। पहले खुजली शुरू होती है, फिर वो दिमाग तक पहुंच जाती है और खुजाते खुजाते उंगली एक कान से दूसरे कान पार हो जाती है। क्या कोई संस्कारी इलाज है? लकी हो तुम, जादूगर जोजो के पास इसका जादुई इलाज है, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें देनी होगी। जो भी है फर्क नहीं पड़ता। हर शुक्रवार को हम सूप पीने आएंगे, जेल के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, मिस बेटी के ट्यूशन्स आएंगे और तुम्हारे कंट्री क्लब के लाइफ टाइम मेंबर्स बन जाएंगे। गोबर का लेप लगाना होगा, इससे स्किन सॉफ्ट बन जाती है। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। का यहाँ तो खुजली बढ़ती जा रही है। क्या बात है, खुजली बंद हो गई। इसका इलाज सिर्फ एक ही बार होता है। फिर से खुजलेरिया हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लाइफ टाइम खुजाते रहना पड़ेगा तुम्हें। जब तक सरदार वापस नहीं आते ये ऐसे ही नाचते रहेंगे। ऐसा दिमाग का इस्तेमाल। बस अब बात हुआ, सच्चा जादुई इलाज बताओ कोचो। तुम्हें खुजली मिटाने वाली जड़ी बूटी खानी होगी। अरे वो जो हमारे जेल में उगती है क्या? हाँ लंबू चांद, जल्दी जेल वापस चलो। नहीं, तुम्हें खुजलेरिया हुआ है इसीलिए तुम अंदर नहीं आ सकते। लेकिन हमने तो इलाज करवा लिया जेलर साहब। हमें अंदर जाना ही होगा। रसोइया आ गया, दरवाजा खोलो। यही मौका भैया। वो जड़ी बूटी ढूंढना चालू करो। सावधान डाल्टन। कम से कम हम सुरक्षित रहेंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, जड़ी बूटी मिले तो ही अपनी शक्ल दिखाना। यहाँ एक आखिरी पौधा है। फिर से एक पालक। अरे पौधा नहीं विलियम, आखिरी पत्ता। ला 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 लो ला 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 ला। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ है। ब्रेड की क्वालिटी खराब आती है। क्या हम खुद का ब्रेड नहीं बना सकते? हमारे पास गेहूं है, हम संस्कारी आटा तो बना ही सकते हैं। तो आटा बनाओ, तुम्हारे संस्कार कब काम आएंगे। ब्रेड बनाने में कोई मदद चाहिए? ताकि तुम जैसे लोग भाग सको। नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ये तो इसलिए क्योंकि हमें आटा गूंथना आता है। क्या बात है, मुझे तुम्हारे संस्कार बहुत पसंद आए। थैंक यू। इन पर नजर रखना ठीक है। डोनट भारी है। हम आटा बनाएंगे, लेकिन हमने ये पहले कभी नहीं किया भाई। चुप रहो, ये मस्त वाला आइडिया है। कोई मेरी मदद कर सकता है क्या? एक रॉकेट मिल गया। इंजन चालू करो। आइडिया क्या है भाई? ये पहिया देख रहे हो, इन्हें यहाँ लगाएंगे और फिर पश्चिमी हवा की मदद से भाग जाएंगे। प्लान है तुम्हारा। अरे यहाँ बर्फ गिर रही है क्या? चपड़ गंजू, सो रहे हो का? गुनिया खुद ब खुद गाड़ी में बैठ जाएगी। ए टोपी, यहाँ वापस आ जा। चलो निकलते हैं। आइडिया काम कर गया, अब मिलेगी आजादी। ये तो पूरी चक्की उठा ले गए। हाँ अरे जल्दी चलो, हम लोग के ब्रेड बटर का सवाल है। देखा भाइयों, मेरा आइडिया कितना स्मार्ट है। लेकिन हमें ब्रेड बनाना नहीं आता, क्योंकि मैं वो खरीद सकता हूँ। इस बार तो वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे, कोई शक। आटे से रास्ता बना गए हैं, पकड़ना तो हो गया है इजी। एक हंटर को सुई गिरने का भी आवाज नहीं करना चाहिए। और वक्त आने पर हंटर को हथियार भी उठा लेने चाहिए। चलो। गाड़ी को घुमाओ। नहीं हो रहा, रफ्तार बहुत तेज है।